आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सर्विस आपको पेंशनरी अवार्ड दिया जाता है और आपका पेंशन मिलता है बैंक से। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एक लेटर इश्यू किया जो कि एजीएम और सीपीपीसी ऑफ एसबीआई को दिया गया, जिसके तहत बोला गया कि बैंक विल स्टॉप पेंशन डिसबर्समेंट विद इन ए फ्यू डेज। तो जानते हैं, देखते हैं क्या है, बैंक क्यों पेंशन स्टॉप कर रहे हैं, और अगर बैंक स्टॉप कर रहे हैं पेंशन पेमेंट तो आपका पेंशन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारे प्रोसीजर को देखते हैं। और वीडियो का मेन पॉइंट में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। एज पर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पेंशन डिसबर्समेंट आपका पेंशन बैंक से मिलता है। तो अभी जो गाइडलाइंस इशू किया गया पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से, जो कि ऑल सीपीपीसी का एजीएम को दिया गया 29 अप्रैल 2020 को, तो इसमें क्या है, ये बोला गया कि एक न्यू सिस्टम चालू हो रहा है जिसका नाम है स्पर्श। ये स्पर्श एक प्रोजेक्ट है जिसे आपका पेंशन सेंक्शन से लेकर के रिवीजन, आपका पेंशन डिसबर्समेंट, ये सारी जो चीजें हैं, जो स्टेजेस है, वो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसका द्वारा आपका पेंशन डिसबर्समेंट होगा। तो अभी पीसीडीए पेंशन ये जो स्पॉट्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक यूनिफाइड स्टेजेस है, जैसे कि बताया कि सारे स्टेजेस को एक यूनिफाई करके, एक इंटीग्रेट करके, एक जो है सिस्टमेटिक जो पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम है वो बनाया गया। तो जो लेटर है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि प्रोजेक्ट स्पॉट्स इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेज, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्पॉट्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम पेंशन सेंक्शन टू डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशनर्स विल बी डन बाई देम, और आपका बैंक जो है आपका पेंशन डिसबर्स नहीं करेंगे। ये जो एक्शन है ये फेज्ड मैनर में किया जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में होगा, एक ही बार में सबका जो पेंशन बैंक से दूसरा जो सिस्टम स्पॉट्स है उसमें नहीं किया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा, ये सारे फेजेस को देखते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट फेजेस है उसको जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज जो है ये होगा जो न्यूली पेंशन, यानी कि जो इस महीना में पेंशन आ रहा है उनका जो पेंशन है वो फर्स्ट फेज में कवर किया जाएगा। उनका पेंशन क्या होगा, डायरेक्टली स्पर्श प्रोजेक्ट का थ्रू उनका अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा, ये बैंक का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। पीसीडीए पेंशन जो स्पर्श प्रोजेक्ट जो अपनाया, इस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका कुछ मेथोडोलॉजी उन्होंने बताया, जैसे कि बाकी जो न्यू पेंशनर के अलावा जिनका पेंशन बैंक से ऑलरेडी हो रहा है, जैसे आपको बैंक से ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है, तो आपका जो पेंशन सिस्टम है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा स्पर्श का तहत, स्पर्श प्रोजेक्ट के अंडर में आप कैसे आओगे, तो उसका जो मेथोडोलॉजी है वो बताया गया। तो बैंक ने सजेस्ट किया दो डिफरेंट मेथोडोलॉजी, इनमें से पीसीडीए का जो सजेस्टेड मेथोडोलॉजी है इनमें से कोई मेथड, कोई किसी एक मेथड को बैंक अपना सकते हैं। तो आप देखते हैं वो मेथड्स क्या है, जैसे कि लेटर में देख सकते हैं आप कि फर्स्ट मेथड ये बताया गया माइग्रेशन ऑफ डाटाबेस इन वन गो, यानी कि जितने भी डाटाबेस है, पेंशनर का डाटाबेस है, सारे डिटेल्स है, वो डिटेल्स एक ही बार में पूरे डिटेल्स जो है वे पीसीडीए पेंशन को हैंडओवर किया जाएगा, यानी कि माइग्रेट किया जाएगा, और उस डाटा जब उनके पास पहुंच गया उस डाटा का यूटिलाइज कब से होगा, उस डाटा को वैलिडेट कब से होगा वो बताएंगे बैंक, और बैंक जैसे बता देंगे कि इस डेट से हम पेंशन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस डेट से प्रोजेक्ट स्पर्श के थ्रू पीसीडीए पेंशन डायरेक्ट आपको पेंशन पेमेंट करेगा आपका बैंक अकाउंट में। तो ये था मेथड वन। और सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड में ये बोला गया कि माइग्रेशन ऑफ डाटाबेस इन फेज्ड मैनर। तो ये जो
सेकेंड मेथड है, इसमें सारे पेंशनर्स जितना भी लोग पेंशन ले रहे हैं बैंक से, वो सारे का डाटा अगर एक साथ माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर्स SBI से पेंशन लेता है, तो इतने डाटा हो सकता है कि पॉसिबल ना हो एक ही बार में माइग्रेट करना। तो इस केस में क्या है, फेज्ड मैनर में कई फेजेस में, तीन चार फेज में डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं। तो क्या क्या वो फेजेस है देख लेते हैं। फर्स्ट फेज में है 2015 का बाद, यानी कि 1/1/16 या फिर उसके बाद जो भी पेंशन आए हुए हैं, या फिर कोई डिजीज केस है जिनका फैमिली पेंशन मिल रहा है, इनका जो पेंशन है डाटा है, इन ये सभी पेंशनर का डाटा माइग्रेट किया जाएगा PCDA पेंशन का स्पर्श प्रोजेक्ट को। और जैसे ही ये डाटा उनको दिया जाएगा और डाटा वैलिडेशन होगा, उस दिन से बैंक आपका इन लोगों का पेंशन डिस्बर्समेंट बंद कर देंगे और PCDA पेंशन डायरेक्ट जो है पेंशन डिस्बर्स करेंगे। अब आते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में जैसे सजेस्ट किया गया कि प्री 2016 केस वायर 7CPC रिविजन हैज बिन कैरेड आउट, यानी कि वो सारे पेंशनर्स जो 1/1/16 से पहले पेंशन आए हुए हैं और जिनका पेंशन केस 7CPC का रिविजन कवर हो चुका है, यानी कि आपको 7th पे कमीशन का पेंशनरी रिविजन का जो बेनिफिट है वो मिल चुका है, ऐसे जो पेंशनर है उनके जो डाटा है वो माइग्रेट किया जाएगा स्पर्श प्रोजेक्ट के थ्रू। और जैसे पहले बताया गया कि डाटा वैलिडेशन होगा, यानी कि जिस दिन से बैंक पेंशन पेमेंट बंद कर देंगे उस दिन से ये पेंशन पेमेंट जो है PCDA पेंशन स्पर्श प्रोजेक्ट के थ्रू करना शुरू करेंगे। थर्ड फेज में रिमेनिंग केसेस जो भी है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7CPC वो सारे कवर होगा थर्ड फेज में। और फोर्थ फेज में है नॉन एक्टिव केसेस, जहां पे पेंशन स्टॉप हो चुका है बट उनका पेंशनरी अकाउंट बैंक में है, वो केसेस कवर होंगे थर्ड फेज में। तो अब बैंक ने जैसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो सजेस्टेड मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी कितना फीजिबल है, कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाएंगे बैंक, ये चीज जो है बैंक ने बताना है PCDA पेंशन को। इसके लिए जो है PCDA पेंशन ने रिक्वेस्ट किया बैंक का CPPC को। सो द प्रोसीजर फॉर पेंशन डिसबर्समेंट इज गोइंग टू बी मोर सिंप्लीफाइड, जैसे कि आपने देखा है जो पेंशन प्रोसीजर होगा यू सिंप्लीफाइड होगा। तो ये जो सिंप्लीफाइड स्पर्श जो प्रोजेक्ट है वो क्या है एक बार देख लेते हैं। स्पर्श सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज अ विजनरी प्लान फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ब्रॉट टू सर्विस थ्रू अ सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ टच। Existing legacy system of pension was handled through distributed data repositories, thus lacking in single source of truth. There were multiple standalone applications developed in incremental need basis, while there was inadequate grievance redressal mechanism for pensioners. To obviate the above shortcomings, Ministry of Defense announced the program to develop a centralized application that would integrate and automate the pension life cycle process from initiation to sanction till disbursement with a single app touching 3 million lives. This aims to be a one-stop portal for pensioner information and dissemination, enhancing service delivery to the pensioners and reducing the scope for grievances. What makes the portal a true delight is reduced time for initiation to sanction, verification of data by pensioner before sanction, hassle-free identification using Aadhaar, manage pension and personal profile anytime, anywhere, right pension at right time, pension history and pension slips, time bound resolution to grievances and requests. So friends, आपने देखा होगा स्पर्श क्या है, कैसे वो काम करेगा, कैसे रिफाई होगा डाटा, कैसे हमारा पेंशन सैंक्शन से लेकर पेंशन रिविजन और कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा कैसे, वो सारी चीजें आपने देखे हैं। और होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इनफ फॉर यू। आपको और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा वो जरूर अटेंड किया जाएगा, और जितना भी जानकारी हमारे पास है वो हम आपको दे सकेंगे। और कोई अगर सोर्स से आपको जानकारी मिल सकता है वो सोर्स भी हम बता देंगे आपको। तो अपडेटेड सर्विसमैन का वेलफेयर रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगा आप सबसे पहले मिल पाएंगे आपको, और इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।